हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक हैं. यू आर ऑल सेफ विथ योर फैमिलीज एट होम. प्लीज़ स्टे सेफ और सब नॉर्म्स फॉलो कीजिए. और घर बैठे बैठे नए नए गाने सीखिए, नया बजाना सीखिए, हारमोनियम सीखिए. तो कुछ ना कुछ अपने जो पैशन है वो पैशन के लिए भी थोड़ा टाइम दीजिए. तो दोस्तों, लास्ट टाइम हमने किया था तुझे जीवन की डोर से, और ऐसे बहुत से गाने आज तक हमने किए हैं. आई होप यू आर प्रैक्टिसिंग ऑल दोज सॉन्ग्स, और आज अभी अभी आप बजा सकते रहेंगे गाने सब. तो आज हम करने जा रहे हैं एक और एक नया गाना जो हारमोनियम के लिए एकदम सही गाना है. हारमोनियम के ऊपर ही बजाया हुआ गाना है म्यूजिक, और काफ़ी पसंद करते हैं लोग इसे हारमोनियम के लिए. तो अगर आप भी बजाना सीखोगे तो महफिल में आप तो हीरो ही बन जाएंगे. तो चलिए आज सीखते हैं एक नया गाना, लेके पहला पहला प्यार. बहुत ही बढ़िया गाना है, बहुत ही खूबसूरत गाना है. तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं. तो दोस्तों, आज हम सीखने जा रहे हैं लेके पहला पहला प्यार. बहुत ही बढ़िया गाना है, जो हारमोनियम के लिए जैसे मैंने बताया फेमस गाना है. तो दोस्तों, गाना है काली दो में, काली चार एक्चुअली, काली दो का मध्यम हम लोग कहेंगे उसे. तो सरगम हम देंगे यहाँ से, तो ये काली चार हो गया, 1 2 3 और 4. तो हम लोग सरगम देंगे काली चार से, मतलब यहाँ से सरगम देंगे. तो सरगम ऐसी है, सा रे ग म प और ध. इसमें ग और ध कोमल लगते हैं और शुद्ध भी लगते हैं. जो शुद्ध ग ध कहाँ पे लगते हैं वो मैं बताता हूँ. पीछे जो आते हैं जो लोअर ऑक्टेव में, वो ऐसे हैं, सा नी नी, दोनों निषाद लगते हैं और दोनों धैवत लगते हैं. सा शुद्ध नी कोमल नी, शुद्ध ध कोमल ध और प, ठीक है? तो ये सभी सुर लगते हैं, मतलब सा रे ग म प कोमल ध शुद्ध ध, शुद्ध नी कोमल नी शुद्ध नी और शुद्ध सा और सा, तो ये सभी सुर लगते हैं. तो चलिए गाना शुरू करते हैं. गाने का पहला म्यूजिक है, इतना जाएगा, प सा सा रे रे म ग रे नी रे सा, यही दो बार बजता है. दूसरी बार बजाने के टाइम पे प प सा ऐसा कीजिए, प प सा सा रे रे म ग रे नी सा, ऐसा बजेगा. इसके बाद वाली लाइन ऐसी है, सा सा ग म प. तो ये देखिए, जाने के टाइम पे हम लोगों ने कोमल ग लगाया, और इस म्यूजिक में म ग म ये शुद्ध ग लगाया यहाँ पे. ठीक है, इसके आगे की लाइन, नी सा रे ग कोमल ग म प म रे सा, यहाँ पे ग हम लोग ये लगाएंगे. बराबर है, मतलब शुद्ध ग लगाएंगे बीच में. और ये आगे की लाइन ऐसी आएगी, यहाँ पे शुद्ध और कोमल दोनों ग लगते, देखिए कैसे, नी सा रे ग म प म ग, यहाँ पे कोमल, यहाँ पे शुद्ध ग लगते हैं, म ग यहाँ पे शुद्ध ग लगते हैं, म ग म ग रे सा, ये कोमल ग रे सा, ठीक है? तो ये शुरुआत का म्यूजिक हो गया. अब गाना चालू करेंगे तो ये पहली लाइन ऐसी आएगी, लेके सारे रे लेके पहला पहला, ये म का टच है यहाँ पे, देखिए पहला पहला ग ग म, ठीक है? सा सा सारे ग ग म लेके पहला ग ग म,
लेके पहला पहला रे 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 गरे कोमल गया रे 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 गरे सानी सारे रे ग ग ग रे रे गरे सा ये पहली लाइन हुई लेके पहला पहला प्यार लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार। अब जादू नगरी से आया जादू जादू सारे रे नगरी सा 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 सारे रे सा सा सा। यहाँ पे कोमल नी और शुद्ध ध सारे रे सा 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 नी ध ठीक है ना। जादू नगरी से आया पे कोमल ध और शुद्ध ध का कॉम्बिनेशन है। देखिए पहले शुद्ध ध आया धनी नी ध कोमल ध प है कोई पर सा सा रे रे मगर ठीक है। तो ये पहली लाइन हो गई। इसके बाद ये दो दो बार यही बजेगा, बाद में लेके पहला पहला प्यार करके रुक जाता है। म्यूजिक वही सेम है जो पहला बजाया, वही म्यूजिक सब जगह पे बजता है। खाली अंत म्यूजिक का लास्ट जो पीस है जो अंतरे की तरफ जाता है वो लास्ट लाइन म्यूजिक को जोड़ के ऐसे आएगी नी सा रे ग म प, बाकी वही है। अब हम आएंगे अंतरे की ओर। अंतरा ऐसा है नी सा रे ग म प ग कोमल और यहाँ से अंतरा चालू होता है। प प प प प प ध प म कोमल ध म प म ग रे कोमल ग रे ग ग रे रे ग ग रे ग प म। वापस देखिए प प प प प प और इसके बाद बीच में म्यूजिक आएगा। ये लाइन बजने के बाद वही म्यूजिक, वही वाला म्यूजिक आएगा। फिर ता ता ता। फिर से सेम लाइन रिपीट प प प प प प प ध प म म प म म प म ग रे रे ग ग रे ग प म ग म ग रे नी 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 म म ग म ग रे ग ग रे सा। ये सेकंड लाइन और इसके बाद वापस पहली लेसी लाइन है दा 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 वो याद है सा रे रे ग ग रे रे सा नी सा रे रे ग ग रे रे सा नी सा रे रे सा सा नी ध नी 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 ध ध नी नी प ध सा सा रे रे मगर बराबर है ना। तो ये अंतरा प से चालू होता है, दोनों अंतरे सब जो भी चार पांच छह अंतरे बहुत सारे अंतरे हैं यहाँ पे। तो इसमें मैं वर्डिंग्स नहीं दूंगा अभी, मैं खाली आपको नोटेशन ही दूंगा क्योंकि वर्डिंग देने में तकलीफ होगी क्योंकि पांच छह अंतरे है तो इतने तो हम लोग नहीं करेंगे, एक ही अंतरा दिखाऊंगा। तो मैं खाली नोटेशन लिखूंगा, इसमें वर्डिंग नहीं लिखूंगा। वजन आप अंतरे के वर्ड्स के हिसाब से कम ज्यादा जो ध प आएगा वो बजा लेना है, ठीक है। वो तो वैसे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो सेम ही बजेगा। ये बज गया अंतरा।
ठीक है। इसके बाद में वापस हम सारे रे ग ग रे 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 ग रे सानी, वही जो पहली लाइन बजती है वही सेम लाइन आएगी। तो ये तो गाना और म्यूजिक बहुत ही छोटा, सिखाने के लिए बहुत छोटा है, बजाने के लिए बहुत मुश्किल है। आपको वो वजन आना चाहिए गाने में बजने के लिए। मैं एक इसका वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं इंस्ट्रूमेंटल बजाऊंगा खाली हारमोनियम के ऊपर। वो वीडियो अपना नेक्स्ट हम लोग एक कभी करेंगे आगे, तो आपको बजाने के लिए भी कैसा बजना है, कैसा वजन आना चाहिए बजाने के लिए वो भी समझेगा। बट ये बेसिकली ये नोटेशन आप करके रखिए ताकि आपका हाथ चालू हो जाए और ये नोटेशन बाद में हम लोग बजा सके। तो दोस्तों ये गाना आज पूरा हो गया। हम लोग इन्हें इंट्रोडक्शन म्यूजिक किया, इंटरलूड म्यूजिक किया, तो दोनों सेम ही है, तो ज़्यादा फर्क नहीं है। इसके लिए बहुत ही फास्ट हो गया अपना गाना और लाइंस भी बहुत सारी रिपीटेशन है और वही सुर है, तो इसके लिए गाना बहुत फास्ट अपना कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, और ज़रूर मुझे बताइए आपके कमेंट में कि ये गाना कैसा लगा, आप कैसे बजा रहे हैं, और कुछ इसमें तकलीफ हो तो बताइए। और आपके कमेंट्स के जरिए आपको अगले एपिसोड में अगले कौन से गाने चाहिए, कौन से गाने सीखने हैं वो भी अगर आप मुझे बता दें तो अगला एपिसोड बनाने के लिए हमें आसानी हो जाएगी। और ये लिंक जो है अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी नए नए गाने बजाना सीखे, और इसी तरह हमसे जुड़े रहिए। अपनी फैमिली जितनी ज़्यादा हो सके उतनी आगे बढ़ाइए। स्वरदा म्यूजिक की फैमिली बड़ी हो के उसके लिए बहुत सारे कलाकार भी तैयार होने चाहिए। तो दोस्तों हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। फिर से मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए गाने के साथ।